के ओम की तरफ से नरेंद्र मोदी प्रणब सर को शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि हमारे 60-70 साल पुराने डिमांड को फुलफिल की और इसके साथ साथ हम संस्कार के डिस्ट्रिक्ट का डिमांड, जब करगिल डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले करगिल के साथ साथ हम तहसील लेवल पर डिस्ट्रिक्ट के लिए डिमांड किया था, जम्मू में भी प्रदर्शन किया था, हमने जुलूस निकले थे 1995 96 में 2 विंटर हमने जीटीसी किया, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था कई बार, तो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। तो सतपाल मलिक गवर्नर साहब से हमारा आरज़ है कि मेहरबानी करके हमारे बैकवर्ड एरिया संस्कार को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम करगिल के साथ बहुत प्रॉब्लम है, 7 महीना कटअप रहते हैं और वहाँ पर पूरे लद्दाख जो है 7 महीने के लिए पूरे लद्दाख कटअप रहते हैं, हम अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ भी 7 महीना कटअप रहते हैं, इसलिए हम डिमांड चाहते हैं ना ठीक ले तरफ से भी रोड नहीं है, करगिल से भी रोड नहीं है, तो रोड की हालत इतना खस्ता है, इस वक्त मेडिकल डॉक्टर का कोई फैसिलिटीज अच्छे नहीं है, वहाँ कोई ऑपरेशन नहीं होता है, इस वक्त एक ही डॉक्टर वहाँ का लुक आफ्टर कर रहा है, तो लोगों को क्या हाल होगा। इसी तरह एजुकेशन है, एजुकेशन में स्टाफ पूरी नहीं है, भूटी लैंग्वेज के टीचर नहीं है, और इसी तरह डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज में फुल फील्ड टेक्निकल स्टाफ नहीं है, तो बच्चों का लाइफ का क्या हाल होगा। तो आप लोग गौर कीजिए, प्रेस वालों से हमारा रिक्वेस्ट है कि पूरी तरह पब्लिश करें, हमें सपोर्ट करें। तो इसके बाद में हमारे मेंबर पार्लियामेंट जमिया श्री नमजल को भी हम मुबारकबाद देते हैं, आप पहली बार आपने लद्दाख के नाम ऊंचा किया पार्लियामेंट में, पूरा प्रॉब्लम जो है आपने क्लियर करके आपने फर्स्ट कर दिया, तो हम आपको भी शुक्रिया अदा करूंगा। फिर साथ में गवर्नर साहब से लास्ट पे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आवाम की तरफ से मेहरबानी करके हमारा डिमांड को फुलफिल कीजिए, थैंक यू, शुक्रिया। सर हमारा जो पुराना पेंडिंग डिमांड है, 60-70 साल से डिमांड करते आ रहा है, हमारी मुश्किल को आप लोग समझिए, क्योंकि हमको डिस्ट्रिक्ट के साथ 7 महीना कटअप रहते हैं और सोनम बोन एरिया है, आप लोगों को पता है कैसे रहता होगा। तो मेहरबानी करके प्रेस वालों से रिक्वेस्ट है इसको वेट पब्लिश की जाए। तो इसी तरह एजुकेशन का, इसी तरह विंटर में हेलीकॉप्टर का बड़े प्रॉब्लम है, स्पेशली पेशेंट के लिए हेलीकॉप्टर पहले बहुत अच्छा आता था, अभी 2-4 साल से हेलीकॉप्टर का सिस्टम भी तो बहुत डिले हो चुका है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा और गवर्नर साहब से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट को जल्दी से जल्दी डिक्लेयर किया जाए, थैंक यू।